Hello students, the question is, in the test cross involving F1 dihybrid flies, more parental type offspring were produced than recombinant type of offsprings. This indicates A. The two genes are located on different chromosome. B. Chromosome failed to separate during meiosis. C. The two genes are linked and present on same chromosome. D. Both the characters are controlled by more than one gene. So, which question mein kya bola hai ki humne test cross perform kiya. टेस्ट क्रॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट क्रॉस क्या होता है? व्हेन एफ वन हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेयर, इंस्टेड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन उसका क्या किया जाता है, सेल्फिंग की जगह क्या किया जाता है, इनब्रीडिंग ना करके, या फ्लाइज के केस में हम बोलेंगे इनब्रीडिंग, इंस्टेड ऑफ इनब्रीडिंग रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया गया. एंड द रिजल्ट्स जो हमें मिलने चाहिए थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, इन F2 जनरेशन फॉर फिनोटिपिक रेशियो इज 1:1, बट हियर व्हाट वी गेट, मोर पेरेंटल टाइप देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप. और जब भी हमें पेरेंटल करेक्टरिस्टिक ज्यादा मिल रहा है, मोर पेरेंटल टाइप मिल रहा है, तो पेरेंटल टाइप मिलने का रीजन क्या होता है, लिंकेज. दिस मीन्स द जीन्स आर लिंक्ड टूगेदर. और जीन्स के लिंकेज के चांसेस कब होते हैं, व्हेन द चांसेस द जीन्स शो लिंकेज व्हेन दे लाई क्लोज टू ईच अदर ऑन सेम क्रोमोसोम, सो ऑप्शंस देखते हैं. द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, तो पेरेंटल टाइप आने के चांसेस नहीं होंगे. क्रोसिस, क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, तो ऐसा होता तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आता. द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, यस. बोथ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, नो. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी. थैंक यू.